सर्च ऑन यूट्यूब एग्री बाय मनोज सर, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। गाइज, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जेट प्री पीजी एंड पीएचडी की आंसर की है वो आ चुकी है। तो आंसर की तो डाउनलोड हो रही है, लेकिन ओएमआर शीट है वो कैसे डाउनलोड करोगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोनों बात है, आपको बताऊंगा कि आंसर की भी बताऊंगा, उसके साथ में ही ओएमआर शीट का भी बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले है जेट 2020 यानी कि 2020 aucota.com, ये आपको सर्च करना होगा गूगल क्रोम ब्राउज़र में। सर्च करने के बाद में क्या काम करना होगा गाइज, यहाँ पे सबसे पहली बात यही है कि आप सभी साइट के लिए प्रॉब्लम आती है, तो मैंने यहाँ पे साइट पहले भी बोल दिया और दोबारा से बोलता हूँ, jet2020aucota.com लगानी है। और यहाँ पे आते हैं तो आपके सामने यहाँ पे देखने को मिलती है जेट प्री पीजी पीएचडी की आंसर की लिखा हुआ है साफ कलर में। जेट वाले यहाँ पे लिखी है जेट की आंसर की के बारे में, प्री पीजी की यहाँ पे लिखा और पीएचडी की यहाँ पे लिखा हुआ है। अब उसके बाद में क्या काम करना है, उसके बाद में आप सभी को यहाँ पे कैंडिडेट लॉगिन पे क्लिक करना है। और यहाँ पे उसके बाद में आप सभी स्टूडेंट्स को अपने रजिस्ट्रेशन नंबर है और पासवर्ड है वो लगा लेना है। उसके बाद में क्या काम करना है, तो आप जैसे जेट के स्टूडेंट हो तो जेट, प्री पीजी के हो तो प्री पीजी, या पीएचडी के हो तो पीएचडी लगा लेना है। उसके बाद में ये लॉगिन का बटन है, उस लॉगिन वाले बटन पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद में आप सभी के सामने इस तरह का एक इंटरफेस है वो देखने को मिलेगा। उसके बाद में आप सभी जो स्टूडेंट्स है वो थोड़ा सा नीचे जाओगे, यानी कि नीचे आने के बाद में इस तरह का एक इंटरफेस देखने को मिलेगा, जहां पे आप सभी ये ऑप्शन देखने को मिलेंगे, जिसमें से आप सभी को जो लास्ट ही लास्ट में लिखा है कि ऑब्जेक्शन एनी क्वेश्चन, यानी कि आप ऑब्जेक्शन लगाना चाहते हो तो ऑब्जेक्शन लगा सकते हो, और ओएमआर डाउनलोड ओएमआर उससे ऊपर वाला ऑप्शन, यहाँ से अपनी ओएमआर शीट है वो डाउनलोड कर सकते हो। गाइज, अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि जेट के रिगार्डिंग कोई भी अपडेट आएगी आप सभी को चैनल के माध्यम से मिलती जाएगी। धन्यवाद।